आज मैं बनाने वाली हूँ मूली का अचार। मूली का अचार बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ मूलियाँ ली है और इसको हम हल्का हल्का सा खुरचेंगे। इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा खुरच के निकाल देंगे। सारी मूलियों को हम इस तरह से खुरच के रख देंगे। मूली को खुरच के हमने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करके हमने इसको छन्नी में रखा था और ये पूरा पानी इसका सूख गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। सारी मूलियों को हमने गोल गोल काट लिया है। ये देखिए इस तरह से इसके पीस कर दिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच हल्दी। थोड़ा नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी और नमक को मैंने मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसको हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। और अब इसको मैं धूप में रखूँगी। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप पंखे में भी सुखा सकते हैं। इसको हमने ग्रिल में धूप में रख दिया है। अब कुछ कुछ देर के बाद आके इसको हमें ऐसे ऐसे चलाते रहना है, उलट पलट करते रहना है। 2 घंटे इसको हमने धूप में रखा। आप देखिए इसका पानी पूरा नीचे आ गया है और ये अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम बड़ी थाली लेंगे और बड़ी थाली के अंदर इसको पूरा डाल के फैला देंगे। इसको अच्छी तरह से ऐसे फैला दीजिए आप और फिर इसको सूखने रख दीजिए। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम मसाले तैयार करेंगे। इसको पंखे के नीचे सूखने देते हैं। यहाँ पर हमने साबुत मसाले लिए हैं। मैंने 1 कप है सौंफ लिया है और 1 कप धनिया लिया है साबुत, और राई 1 बड़ा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, मेथी छोटा 1 चम्मच, कलौंजी उससे भी 1 छोटा चम्मच, और यहाँ पे 10 से 15 अकेला मिर्ची और 10 से 12 काली मिर्च। अब इन सभी मसालों को हम भून लेंगे। यहाँ पर गैस हमने चालू कर दिया है और एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया। सबसे पहले हम धनिया को भून के निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी सौंफ। सौंफ हल्की हल्की गर्म हो गई है। अब उसी में हम राई डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब डालेंगे मेथी। अब डालेंगे कलौंजी। कलौंजी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और अचार में इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसको धनिया वाली प्लेट में डाल देना है। फ्राई पैन में मैंने मिर्ची डाली है और देखिए काली मिर्च भी डाल देती हूँ। इस दोनों को भी भून लेना है। मिर्ची और काली मिर्च भी भून गई है। इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए सारे मसाले हमारे भून के तैयार हो गए हैं।
अब इसको मिक्सर में पीसना है। जब तक हम मसालों को पीसेंगे तब तक मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और उसमें तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पे राई का तेल लिया है। अगर आपके पास राई का तेल नहीं है तो आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मगर अचार है ना, राई के तेल में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। यहाँ तेल गरम होता रहेगा, वहाँ मैं मिक्सर में साबुत मसालों को पीस लूँगी। ये देखिए तेल को मैंने गरम होने रख दिया है, अब मैं मसाला पीसती हूँ। मसाले को हमने पीस लिया है, ये बहुत ही जल्दी पीस जाता है क्योंकि भुना हुआ रहता है इसलिए। और देखिए हमारा तेल भी गरम हो गया है। अब तेल में मैं ना थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तेल में मिर्ची डालने के बाद हमने गैस बंद कर दिया था और तेल को ठंडा होने रख दिया था। तेल ठंडा हो गया है, अब हम मूली में मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, जो मसाले हमने पीसे वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से चला चला के इसको पूरा मिक्स कर लेना है। और इसमें मैं डालूंगी अभी थोड़ा सा काला नमक। काला नमक से भी अचार में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसको भी मिक्स कर लेना है। मसाले अच्छी तरह से पूरे इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अब डालेंगे एक नींबू का रस। इसमें मिर्ची का पाउडर बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि पहले हमने मिर्ची इसमें यूज़ की है, अक्की लाल मिर्ची हमने पीसा है, फिर तेल में भी हरी मिर्च डाला है, काली मिर्च के भी 10 से 12 दाने डाले हैं, इसलिए मैं इसमें मिर्ची का पाउडर नहीं डालूँगी। और हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर मैं नहीं कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया है, ये पूरा मसाला सब कुछ मिक्स हो गया है। अब जो हमने तेल में मिर्ची फ्राई किया था ना वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये भी इसमें डाल देंगे। इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक कांच का जार लिया है और उसमें ये भर देंगे। जार में हमने पूरा अचार भर दिया है और ऊपर से हम इसमें तेल डालेंगे। ध्यान रहे कि तेल आपको एकदम ठंडा डालना है। ये देखिए धीरे धीरे आप तेल डाल दिए, ये खुद ब खुद नीचे जाता रहेगा।